हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का तो नेचुरल गैस में और XNGOSG में। हम आपको नेक्स्ट डे के लिए टारगेट्स देते हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं कि 19 मई 2023 को, यानी कि फ्राइडे को क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला है और इस समय ये अपने 2 मंथ के हाई पर है। और उसके रीज़न हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आज 8 बजे डाटा आना था और जो डाटा आया है वो जितना एक्सपेक्टेड था कि नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्री है वो बढ़ी हुई होगी, उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ थी नेचुरल गैस के लिए। और उसकी वजह से यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलती है कि डिमांड बढ़ रही है और उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर कोई मूव कर रहा है। दूसरा, जो यहाँ पर डिमांड बढ़ने का एक और संकेत ये है कि अभी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो एयर कंडीशनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और एयर कंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यहाँ पर नेचुरल गैस की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है। और तीसरा, यहाँ पर सप्लाई भी थोड़ी सी बाधित हुई है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जो वाइल्ड फायर एक हुआ है कनाडा में, उसकी वजह से नेचुरल गैस की जो यहाँ पर सप्लाई है वो बाधित हुई है, और उसकी वजह से भी वो भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस ऊपर की ओर को उसने मूव करा है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से नेचुरल गैस ने बहुत अच्छा मूव आज दिया है। और उसके बाद आप हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक लेवल है, इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए 216 का। 216 के ऊपर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात करें, अगर 1 आवर की कैंडल, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आती है 216 यानी कि 216 के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो रहेगा 221.6 का। जबकि डाउन साइड के लिए आप इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए, ये लेवल है 211 का, और 211 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, रेड कैंडल की 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 204.4 का। यह है नेचुरल गैस में हमारा टारगेट। लेकिन अगर आप XNG USD में ट्रेडिंग करते हैं, और तो हम आपको XNG के टारगेट भी दे देते हैं, लेकिन XNG USD में ट्रेडिंग करने के लिए आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो एक्सचेंज पर जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, सारी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी इस वीडियो के, और साथ में आई बटन में भी मिल जाएंगे ऊपर, और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि नेचुरल गैस में अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक तो 24 आवर मार्केट ओपन मिलेगी इसकी, और साथ ही यहाँ पर गैप अप गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, और साथ ही यहाँ पर आप बहुत ही कम स्मॉल बहुत ही स्मॉल अमाउंट से आप 0.01 का लॉट यहाँ पे $5-6 में आप खरीद सकते हैं। आपको हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में MCX में रखनी पड़ती है, वैसा यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं होती, और 0.01 का लॉट आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही छोटी सी अमाउंट से, और आप अपना प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, इसमें फायदा ही फायदा है। तो लिंक पे क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि XNG USD में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो XNG USD के लिए आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 2.7308 का। 2.7308 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.7843 का। और ये 1 आवर के कैंडल की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही हम यहाँ पे टारगेट्स देख रहे हैं। और डाउन साइड के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, यानी कि 26637 को। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम की, तो उसके बाद हमारा जो टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 2.6234 का। और अगर 2.6234 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2.5778 का। तो ये था एनालिसिस XNG USD में और नेचुरल गैस में, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया वीडियोस लेके आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।